नगर विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता एवं मेयर अयोध्या गिरीशपति त्रिपाठी ने जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अयोध्या नगर स्थित सब्जी मंडी चौक, रिफ्यूजी मार्केट के साथ साथ नरेंद्रालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमारी सरकार अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए स्थानीय स्तर पर हम सभी के द्वारा विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसी क्रम में कमिश्नर गौरदयाल, डीएम चंद्र विजय सिंह, वीसी विकास प्राधिकरण के साथ चौक क्षेत्र के सब्जी मंडी, रिफ्यूजी मार्केट का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस स्थान पर जल्द से जल्द मल्टी लेवल पार्किंग परिसर और मार्केट का निर्माण कराया जाए एवं विस्थापित व्यवसायियों को यहीं पर बसाते हुए पूर्ण रूपेण सुंदरीकरण एवं विकास किया जाएगा। ये इलाका मचरहटा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कंजेस्टेड इलाके के बीच में स्थित है। जो हमारा चौक एरिया है अयोध्या का, यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर जो सिविक अम्यूनिटीज हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था गवर्नमेंट को, जहाँ पर इस पूरे इलाके में कुछ शॉप्स हैं, बहुत पुरानी नगर निगम की हैं, कुछ जेडी ने बनाई हैं, इन सबको तोड़ के और टेम्परेली यहाँ के लोगों की सहमति प्राप्त करते हुए उनको हम लोग कुछ समय के लिए कहीं और बसा के फिर यहाँ पर एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारी सुविधाएँ होंगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी, टॉयलेट ब्लॉक्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, इन सबको विकसित करने का एक प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि सैंक्शन हुआ है। उसी को आज किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस सिलसिले में मैं जिलाधिकारी, वीसी, एडीए, विधायक और मेयर साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ पे जो स्टेक होल्डर उनसे चर्चा हुई है, कुछ और सुझाव इसमें दिए गए हैं। कुछ इलाके जो छूट गए थे उसको सम्मिलित करने की बात की गई है। एक रेफ्यूजी मार्केट है यहाँ पर, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपको ये 45 CR का प्रोजेक्ट है और लगभग 200 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं इस समय, और उनको हम लोग टेम्परेली किस तरह से उनका व्यापार प्रभावित ना हो उनको हम लोग किसी और जगह पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। विकल्प जो उपलब्ध हैं उन पर विचार कर रहे हैं, और जब वो स्टेक होल्डर से बात हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर डिमोलिशन के बाद कंस्ट्रक्शन काम चालू किया जाएगा। तो एडीए ने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, वो सैंक्शन हुआ है और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज आ रहा है। इस वजह से आज हम लोग निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये अब तक अयोध्या धाम में जो विकास का काम हुआ, अब इस नगर में भी हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि शहर को भी विकसित करना है, सुंदर बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये चौक की जान है, जहां हम खड़े हैं चौक की सब्जी मंडी पुरानी जो वहां से शिफ्ट कर गई, लेकिन कुछ छोटे दुकानदार यहां पर हैं, हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जो यहां व्यापार कर रहे हैं, और हम लोग इसको लिंक रोड करेंगे, राम पथ से इसको जोड़ने का काम करेंगे, जिससे चौक का ट्रैफिक भी खत्म होगा और व्यापारी को रोज़गार भी मिलेगा। इस मंडी को जब नई मंडी बनेगी तो उसमें जिन व्यापारियों के यहाँ दुकानें हैं, खुमची हैं, गुमटी हैं, उन सबको स्थान देंगे, प्लेटफार्म देंगे, और जो दुकानदार यहाँ पर हैं यदि उनको उनका वो दुकानें सौंदर्यकरण में और व्यवस्था में कहीं शिफ्ट करनी पड़ेंगी तो हम उनको दुकान भी बना के देंगे। किसी व्यापारी को ऐसा नहीं हुआ जिसको दुकान नहीं मिलेगी, या हमारे जो पटरी पर ये दुकानदार सब्जी बेचने इनको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। करीब 200 के आसपास व्यापारी जिनकी लिस्ट बनी थी, अभी कुछ और इसमें जुड़ेगा, और कुछ लोग हैं जो इसमें रह रहे हैं, हम उनको आवास भी देने का काम करें। किस चीज़ के लिए कह रहे हैं आप? व्यापार मंडल के नेता हैं आज से नहीं 40-45 वर्ष से, हम इन सब व्यापारियों को बिठा के बात करेंगे तभी आगे काम बढ़ेगा। धन्यवाद। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस, एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc, नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।